वजह मुझे टीके ने दिया, टीके तुमने क्या मुझे ऐसा दिखाया? विभूति भैया ना बिगड़ चुके हैं पूरी तरीके से, अलग अलग हरकतें कर रहे हैं आजकल, पता नहीं उनको क्या जरूरत पड़ रही है ऐसी हरकतें करने की, पूरे मोहल्ले में बदनामी का आलम हो रहा है। मैं तो ये दिखाया भाभी जी को वीडियो, दिखाया एक बढ़िया वाला सोशल मीडिया में विभू के जो वीडियोस हैं वो वायरल, पूरा शहर चटकारे ले लेकर उनके वीडियोस देख रहा है और मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नाक कटा दी तुमने मेरे। मैम ये बारिश का मौसम आ गया है, किस तरह से आप मानसून को एंजॉय कर रही हैं? बारिश के मौसम में यूजुअली हमको एक घंटा लगता था घर वापस जाने में, आजकल ढाई से तीन घंटा लग जाता है, कीचड़ से सारा हमारा स्टूडियो भरा हुआ है और कभी कभी हमारा सेट भी टपकता है, तो फिलहाल तो हम ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। और ये मानसून का क्या खाना? खाना तो मैं पसंद करती हूँ, पकौड़े खाने में बड़े मज़े आते हैं, बेसन के पकौड़े, लेकिन चूँकि सारा दिन यहीं सेट पर बीत जाता है इसीलिए कुछ भी नहीं खा पाते, क्योंकि यहाँ जो ये लोग पकौड़े बनाते हैं वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आते। सौम्य जी का बस चले हवा खा के पेट भर ले। नहीं नहीं मैं बहुत चिड़िया का चुग्गा लेती है कुछ नहीं, टीका का जो आलम है वो इधर नहीं है। इसका मौसम है, सब लोगों से ये विनती है कि भैया इन्फेक्शन से दूर रहें, कदा पानी में ना भीगे, मेरी खुद की हालत खराब है रही है, वायरल में बिल्कुल लिप्त हो रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। फैंस के लिए क्या करना चाहेंगे? Keep watching भाभी जी घर पे 10:30 on NTV। यही कि आप लोग बराबर देखते रहिए, भाभी जी घर पर है, आप लोग देखेंगे तो हमें खुशी होगी।